पेपर दिखाऊंगी, ठीक है? उसमें कहां पर कौन से टॉपिक को कैसे फिट किया, कैसे दिखेगा फाइनली आपका पेपर, ठीक है? तो आपका पेपर ऐसे दिखेगा जब आप लिखोगे। फर्स्ट ये आपका टाइटल, ठीक है? ये एक मेरा पेपर है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने प्रेजेंट किया था, ठीक है? रिकमेंडर कम रैंकिंग सिस्टम इन एकेडेमिया, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा काम एकेडेमिया पे था, ठीक है? प्रेडिक्शन था तो मेरा टॉपिक उससे मिलता जुलता होगा, ठीक है? ये इसको बोलते हैं एफिलिएशन। एफिलिएशन में हमें सबसे पहले अपना नाम लिखना होता है। ये जैसे मैंने वन लिखा है, मैं मतलब कि मैं फर्स्ट ऑथर हूँ। यहाँ टू लिखा है मतलब ये सेकंड ऑथर है, ठीक है? ये हमारा एफिलिएशन है कि हम है क्या और हम कौन से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और साथ में अपनी मेल आईडी डालनी होती है, ठीक है? आप लोग का जो मैनुस्क्रिप्ट है, मैनुस्क्रिप्ट में आपका पेपर कैसे लिखना है वो ब्रोशर में लिखा हुआ है, और कोई दिक्कत होने से आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। देन एब्स्ट्रैक्ट, मैंने बोला था ना एब्स्ट्रैक्ट एक पैराग्राफ का रहेगा बस, तो बस इतने से चार छह लाइन में हमने बताया कि इस पेपर में है क्या। ये हमारे कीवर्ड्स है, ठीक है? देखोगे आप कीवर्ड तो 1 2 3 4 5, इसमें ज्यादा कीवर्ड है क्योंकि इस पेपर में बोला ही गया था इसके मैनुस्क्रिप्ट में कि आपको 7 कीवर्ड्स लिखना है। जब आप जर्नल के थ्रू जाते हो ना, उसमें हर चीज स्पेसिफाई रहती है कि इसमें 3 to 5 कीवर्ड लिखोगे कि 7 लिखोगे, पेज की लेंथ क्या होगी, 12 पेज का होगा, 8 पेज का होगा, ठीक है? फिर इंट्रोडक्शन चालू हुआ इधर से, ये इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं एक पैराग्राफ। फिर हमने क्या क्या यूज किया, ये भी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट हो गया। हालांकि थोड़ा आगे लेवल का पेपर है, इसमें आपको लिटरेचर सर्वे थोड़ा हिडन वे में दिखेगा। जब थोड़ा सा रिफाइनमेंट आ जाता है ना, तो लिटरेचर सर्वे थोड़ा ऐसे नहीं लिखा जाता, ये थोड़ा रिफाइनमेंट वाला पेपर है, आगे के आगे बढ़ा हुआ पेपर है। जो बिगनर्स का होता है उसमें सीधा सीधा लिखा जाता है, तो मैं इसमें आपको लिटरेचर सर्वे अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ, किसी और पेपर में दिखाती हूँ, सिंपल पेपर दिखाती हूँ, ठीक है? लिटरेचर सर्वे कैसे लिखते हैं, तो मेरा लग सकती है ना भाषा का लिखने का तरीका, बहुत एडवांस पेपर आप लिखना पड़ता है आपको, तभी वो सेलेक्ट होता है, अदरवाइज सेलेक्ट भी नहीं होता। बट अब बिगनर्स के लिए पेपर, जैसे लिटरेचर सर्वे हम इंट्रोडक्शन को समझ में आ गया था, वो सबका एक समान रहेगा। लिटरेचर सर्वे देखो कैसे लिखा गया है, ये क्या लिखा है, जो भी साइंटिस्ट का नाम है फेयर्ड एटाल, इसका मीनिंग क्या होता है, एटाल का मीन्स इसके साथ और भी लोग थे, मतलब तीन लोग या दो लोगों को एटाल बोला जाता है, ठीक है? 1996 में, ठीक है? इस मतलब इस टॉपिक के बारे में इसने, इस साइंटिस्ट ने बताया कि फ्रॉम डेटा माइनिंग टू नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस डिस्क्राइब केडीडी एज ए नॉन ट्राइवियल प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन वैलिड नॉवेल। इतना आपको समझ में नहीं आएगा, मैं ब्रीफ में बता देती हूँ कि सबसे पहले कि ये साइंटिस्ट का नाम या जिसने पेपर लिखा उसका नाम, ये किस ईयर में लिखा और ये उसने क्या बोला अपने पेपर में, उसने क्या फाइंड किया, समझ में आया? तीन लाइन में, ज्यादा नहीं, दो या तीन लाइन में। फिर आप देखोगे नीचे आओगे, ये देखो दूसरा आ गया, फिर वही वाला साइंटिस्ट इसके साथ टूलोरोस के साथ 1997 में एक पेपर लिखा और केडीडी के बारे में ये बोला। फिर चार्ल्स एटाल ने, चार्ल्स और उसके साथ कुछ और लोग मिले और उन्होंने उसके बारे में ये बोला, ठीक है? फिर ये माइकल ने 1999 में उसी सर्वे हुआ और ऐसा पेपर लिखा। ऐसे करके आप देखोगे कि यहाँ भी पूरा चलता चला आ रहा है कि 2010 में क्या हुआ, इसने क्या बोला, ये पूरा हमारा लिटरेचर रिव्यू है ये पूरा। तो आपको तब यहाँ तक का आप इसमें देखोगे कि कम से कम 10-12 को इसने बताया है कि किसने क्या बोला, तो आपका एक पेज का तो लिटरेचर रिव्यू ही बन जाएगा, और इसमें कोई प्लेगरिज्म नहीं होता क्योंकि जिसने जो बोला वही तो हम लिखेंगे ना, तो उसमें कॉपी पेस्ट का सवाल ही नहीं उठता। आप उसके पेपर को पढ़े और जिसने स्टडी किया था अपनी लैंग्वेज में लिखना है इसको, ठीक है? तो आप नेट की मदद लीजिए, अगर आप हिंदी में भी लिखते हो तो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर लो और उसको आप बता दो कि इस ईयर में इस साइंटिस्ट ने इस काम के लिए ये इन्वेंट किया। ऐसे करके 4-5 आप लिटरेचर सर्वे बना लो, ठीक है?
उसके बाद मेथडोलॉजी में हम थे, जैसे मान लो आप इसी पेपर पे चलते हैं वाला पेपर छोड़ देते हैं, फिर मेथडोलॉजी में क्या क्या यूज हुआ, क्या पाया, रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट में बताया कि प्रोसेस कौन सी यूज करी, कोई अगर डायग्राम है डायग्राम को कवर करोगे, ठीक है, प्रोसेस के बारे में एक डायग्राम उसमें बता दिया, वो भी बिल्कुल वैलिड है, वो भी प्लेगरिज्म में नहीं आएगा, पर आप किसी बुक को स्कैन करके फिगर नहीं डाल सकते, आपको वर्ड में ड्रॉ करना पड़ेगा फिगर खुद से, स्कैन फिगर अलाउड नहीं रहती है, ठीक है। वैसे भी साइंस में भी कुछ करना है तो आप वैसे फिगर बना सकते हो। और फाइनली फिर आपका ये पेपर थोड़ा लिटरेचर से रिलेटेड है, नहीं तो फिर रिजल्ट डिस्कशन आएगा और कंक्लूजन आएगा। इसने क्या बता दिया आखिरी में, एप्लीकेशन ऑफ डेटा माइनिंग, तो मार्केट बेस्ड एनालिसिस, कितना सिंपल पेपर है, देखो स्पोर्ट्स में क्या काम है, आराम से लिख सकते हो, क्यों आप इससे सीएस, ये पेपर देख के लग रहा है कि लिख सकते हो कि नहीं। तो इसमें कोई इनोवेशन नहीं इस पेपर में, सोना मैडम निकाल दिया आपके लिए। इसी लैब से पेपर सर्च करो, पहले अपना एरिया डिफाइन करो कि किसको कहाँ पे लिखना है, ठीक है। कॉमर्स के लिए भी ऐसे पेपर हो सकते हैं, और कंक्लूजन लिखा या रिकमेंडेशन लिखना है तो लिखे, नहीं लिखना है नहीं लिखे, भाई सबसे सिंपलेस्ट वे था। ठीक है, तो आप कोई क्वेरी है इसमें?